गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू इंग्लिश क्लास टुडे वी शैल कंटिन्यू द सेम चैप्टर चैप्टर नंबर ट्वेल्थ अ बैड ड्रीम मिसेस हिल आई नीड अ हॉलीडे मुझे छुट्टियाँ चाहिए आई एम गोइंग टू स्पेंड अ फ्यू डेज विद माय सिस्टर मैं कुछ दिन मेरी बहन के साथ बिताने के लिए जा रही हूँ मिस्टर हिल एट दिस टाइम बट आई नीड योर हेल्प नाउ मुझे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है अभी मिसिज हिल आई कांट हेल्प यू मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती एंड आई मस्ट हैव अ हॉलीडे मुझे छुट्टियाँ चाहिए एंड आई कांट वेट और मैं प्रतीक्षा भी नहीं कर सकती मिस्टर हिल बट यू कैन हैव अ हॉलीडे लेटर तुम बाद में भी जा सकती हो छुट्टियों पे। वी विल गो टुगेदर हम इकट्ठे चलेंगे मिसिज हिल वेयर विल यू गेट द मनी फॉर अ हॉलीडे तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे हॉलीडे के लिए यू हैव लॉस्ट योर जॉब तुम नौकरी भी खोज चुके हो इट वॉन्ट वी सी टू फाइंड अ न्यू फन तुम्हारे लिए इतना आसान भी होगा नई जॉब ढूंढ पाना यू आर नॉट ए यंग मैन अभी तुम यंग भी नहीं हो मिस्टर हिल आई हैव गॉट थ्री मंथ्स मुझे तीन महीने मिले हैं आई फाइंड समथिंग मैं कुछ ढूंढ लूँगा मिसिज हिल आई होप यू आर राइट मिस्टर हिल यू आर लिविंग मी बिकॉज आई एम इन ट्रबल तुम मुझे छोड़ के जा रही हो क्योंकि मैं परेशानी में हूँ वन यू आर कमिंग बैक तुम वापस कब आ रही हो मिसिज़ हिल आई हैव नो आइडिया मेरे मुझे कुछ भी पता नहीं है कि वापस कब आऊँगी मैं एंड आई राइट एंड लेट यू नो मैं लिख कर भेज दूँगी तुम्हें पता चल जाएगा मिस्टर हिल बट हु इज़ गोइंग टू लुक आफ्टर मी तो मेरी देखभाल कौन करेगा मिसिज हिल देर इज़ एनी एनी यहाँ पे है स्पीक टू हर नाइसली उससे प्यार से बोल देना एंड परहैप्स शी विल स्टे वो शायद यहीं रहेगी वेल गुड बाय जॉर्ज राइट टू मी वैन यू हैव अ जॉब मुझे लिखना जब तुम्हें जॉब मिल जाए मिसिज हिल गोज़ आउट ऑफ द रूम मिसिज हिल रूम से बाहर जाती है मिस्टर हिल टू हिमसेल्फ अपने आप से कहता है दिस इज ए टेरिबल आफ्टरनून बहुत ही भयंकर दोपहर थी आई हैव लॉस्ट माई जॉब बहुत भयंकर दोपहर है मैं अपनी नौकरी खो चुका हूँ एंड नाउ माय वाइफ हैज़ गॉन टू वो मेरी पत्नी भी जा चुकी है देर इज़ अ नॉक एट द डोर एंड एनी कम्स इन तभी दरवाजे पर नॉक होती है खटखटाहट की आवाज़ आती है और एनी अंदर आती है मिस्टर हिल वट इज़ इट ये क्या है एनी डू यू वॉन्ट टू लीव क्या तुम जाना चाहती हो टू तु, तुम भी एनी लीव सर आई केम अबाउट द टी मैं चाय के लिए आई हूँ इट इज़ ऑलमोस्ट फोर ओ क्लॉक चार बज चुके हैं शालाई ब्रिंक टी सर क्या मैं चाय ले कर आऊँ मिस्टर हिल सो यू डोंट वॉन्ट टू लीव आ री श्योर तो तुम नहीं जाओगे क्या तुम्हें यकीन है पक्का एनी नो ऑफकोर्स नॉट सर आई एम वेरी हैप्पी हेयर मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर मिस्टर हिल आई हैव लॉस्ट माई जॉब डिड यू नो देट मेरी नौकरी जा चुकी है क्या तुम्हें पता है इस चीज़ के बारे में एनी यस सर मिसिज हिल टोल्ड मी मिसी हिल ने मुझे बताया था मिस्टर हिल एंड माई वाइफ़ हैज़ ग फॉर अ लॉन्ग हॉलीडे एनी आई नो सर बट शी विल कम बैक वो लेकिन वापस आ जाएगी आई लुक ऑफ्टर यू मैं आपकी देखभाल करूँगी वाइल शी इज़ इज नॉट हेयर जब तक तो वहाँ पे जब तक तो वो यहाँ पर नहीं है मिस्टर हिल आई वॉन्ट हैव मच मनी पर हैप्स आई वॉन्ट बी एबल टू पे यू मेरे पास पैसे नहीं हैं और पता नहीं शायद मैं तुम्हें पगार दे पाऊँगा या ना दे पाऊँगा एनी ओ इट डजेंट मैटर सर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आई हैव सेव्ड सम मनी मैंने कुछ पैसे बचा के रखे हुए हैं सो आई डोंट नीड एनी नाव मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है बट आई वॉन्ट टू स्टे है लेकिन मैं ये ठहर रहना चाहती हूँ सर इट्स माई होम ये मेरा घर है मिस्टर हिल थैंक यू एनी एनी ओ आई ब्रिंग टी नाओ सर क्या मैं चाय लेकर कर आऊँ मिस्टर हिल ओ लेटर लेटर बाद में लेकर आना प्लीज इन अबाउट हाफ एन आवर एनी वेरी वेल सर ठीक है सर एनी वेरी वेल सर एनी गोज आउट एनी बाहर जाती है मिस्टर हिल पुरस्ज फीट ऑन द चेयर अगेन एंड क्लोजिज हिज आइस वो फिर से अपने चेयर पहुँचे रखते और आखें बंद कर लेते हैं सीन थर्ड मिसिज हिल कम्स इन टू द रूम मिसिज हिल रूम में आती है हर हस्बैंड इज स्टिल अ उसके जो हस्बैंड अभी भी वो सोए हुए हैं मिस्टर हिल जॉर्ज इट इज़ ऑलमोस्ट हाफ पास्ट फोर साढ़े चार हो चुके हैं मिस्टर हिल वेकिंग अप व्हाट इज़ दैट तो ये क्या था हाफ पास्ट फोर ओह इट इज़ यू डियर ये तुम हो मिसिस हिल यस अफकोर्स इट्स मी हाँ मैं यू मिस्टर हिल और देन यू हैव एट गोन टू योर सिस्टर्स तो क्या तुम अपनी बहन के पास नहीं गई मिसेस हिल व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट तुम क्या बाब क्या बोल रहे हो आई हैव एंट बीन आउट ऑफ द हाउस मैं घर से बाहर नहीं गई एंड यू हैव बीन स्लीप ऑल द आफ्टरनून तुम सारा दोपहर सोए रहे मिस्टर हिल हैव आई देन आई वॉज ड्रीमिंग ओके इट मीन्स मैं सपना देख रहा था ही रिमेंबर्स द ड्रीम उसे वो सपना याद आता है एंड इट वॉज नॉट ए वेरी प्लेजेंट ड्रीम बहुत शानदार अच्छा सपना नहीं था मिसिज हिल यू मस्ट टैल मी अबाउट इट तुम्हें मुझे इसके बारे में बताना Shall we have tea now? क्या चाहिए शेल वी हैव टी नाव कैब हम चाय पियेंगे इकट्ठा मिस्टर हिल और दैट्स अ गुड आइडिया बहुत अच्छा विचार है आई नीड अ कप ऑफ टीम मुझे कप चाय की आवश्यकता है मिसिज हिल रिंग्स द बेल फॉर एनी मिसिस हिल ने बेल को प्रेस किया एनी के लिए मतलब तो एनी को बुलाया मिस्टर हिल बाई द वे डियर हैव यू स्पोकन टू एनी येट क्या तुमने एनी को बोला उसके बारे में मिस हिल नो नोट येट अभी नहीं गिव मी चांस मुझे मौका दो आई हैव बीन बिजी मैं बहुत तो बिजी थी सो बट आई हैव वोटन लेकिन मैं भूली नहीं थी आई विल टेल हर दिस इवनिंग मैं आज शाम को उसे बोल दूँगी मिस्टर हिल आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट अगेन मैं दोबारा फिर सोच रहा हूँ इसके बारे में पर हैप सो वी ओट टू कीप हर शायद हमें इसको यहीं रख लेना चाहिए शी हैज़ बीन विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम क्योंकि लंबे टाइम से हमारे साथ है सो शी मे नॉट गेट अ न्यू जॉब उसे नई जॉब कहाँ मिलेगी मिसिस हिल आई टोल्ड यू दैट मैंने तुम्हें बताया था डियर पहले ये बात किसी भी जॉब नहीं मिल पाएगी बेचारी को मिस्टर हिल आई एग्री विद यू नाव लेकिन अब मैं तुमसे सहमत हूँ ऑफकोर्स एंड शी इज़ नॉट अ गुड कुक बट शी वर्क हार्ड मैं जानता तो हूँ अच्छी कुक नहीं है लेकिन वो बहुत मेहनत करती है मिसेस हिल येस शी वर्क्स वेरी हार्ड हाँ वो बहुत मेहनत करती है मिस्टर हिल पर हैप्स शी नीड्स हेल्प इन द हाउस उसे थोड़ी जरूरत है घर के काम में तुम्हारी वी कैन गेट समन मिसिज हिल और दैट्स अ नाइस आइडिया हम किसी और को रख लेंगे तो थोड़ी हेल्प के लिए उसके दैट्स अ नाइस आइडिया बहुत अच्छा विचार है एनी विल लाइक दैट एंड एनी को भी चीज़ पसंद आएगी बट वट अबाउट योर डिनर तुम्हारे डिनर्स का क्या होगा हु विल कुक वैन योर फ्रेंड्स कम तुम्हारे जब दोस्त आएंगे तो कौन खाना पकाएगा मिस्टर हिल ओ द डिनर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट डिनर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते वी वॉन्ट आस्क पीपल वेरी ऑफन हम अक्सर लोग वो जल्दी से खाने के लिए नहीं बोलते मिसिज हिल आई एम ग्लैड मीन्स हैप्पी आई नेवर लाइक दोज डिनर्स मुझे वो डिनर्स पसंद नहीं होते बिल्कुल भी बट जॉर्ज वाई हैव यू चेंजड सडनली तुम अचानक से बदल कैसे किए सडनली रैंडमली यू आर क्वाइट डिफरेंट नाउ क्वाइट मीन्स फुली अब तुम फुली चेंज्ड लग रहे हो मिस्टर हिल ओ एम आई क्या मैं सच में लग रहा हूँ आई एम ग्लैड यू से दैट मुझे बड़ी खुशी तुमने ऐसा कहा मिसिज हिल ओ वॉज इट योर ड्रीम क्या है तुम्हारा सपना था यू मस्ट टेल मी अबाउट इट जो तुम मुझे बता रहे थे इसके बारे में मिस्टर हिल ओ नो आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता बट आई वॉन्ट फो इट लेकिन मैं उसको भूल भी नहीं सकता any comes into the room any room aati hai, any shall i bring tea now madam Ma'am, mam kaba chalekrao so dear students today we have read the last scene scene number third of this play it's really very interesting play so i request you to listen it twice and thrice so that you can easily understand each and everything of this play so till then, thanks and have a nice day.